पाकिस्तान में ये जो मार्केट्स हैं तिब की मार्केट्स के अंदर, यहाँ पे जो मस्क या जो मुश्क अवेलेबल है ये दो नंबर है या इसमें मिलावट है? अगर आप में से कोई भाई इंटरेस्टेड है इसको इम्पोर्ट करने में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा ये वीडियो है इट्स अबाउट सम क्वेश्चंस जो अक्सर दोस्त हज़रात या व्यूअर्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं रिगार्डिंग डियर मस्क। आज से डेढ़ पौने दो साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर डियर मस्क और उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आए और अक्सर व्यूअर जो है उसके कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट कि हम उसको कंपाइल करके एक कंप्लीट कंटेंट बना दें जो आप सबके काम आए। सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो मस्क ग्लैंड है यानी जो मुश्क का ग्लैंड है वो सिर्फ एक इकसाम यानी हिरन की सिर्फ एक इकसाम के अंदर पाया जाता है जिसको मोशियस कहा जाता है। और अगर इसका बायोलॉजिकल फैमिली जो साइंटिफिक फैमिली को फर्दर डिफाइन किया जाए तो उसको मोशियस डाय कहा जाता है। इस हिरन के दो दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं जिनको फैंग कहा जाता है और इसकी तशबीह आप वैम्पायर या ड्रैकुला के साथ दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें वैम्पायर के दो दांत बाहर को निकले होते हैं तो ये जो हिरन है इसके भी दो दांत या फैंग्स बाहर की तरफ निकले होते हैं। इसकी जो एनाटमी है यानी जो इसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर है इसमें जो पिछली टांगें हैं वो हिरन के अगली टांगों से बड़ी होती हैं जो इसकी हेल्प करती हैं माउंटेन्स पे और क्या कहते हैं पहाड़ी सिलसिले पे तेज़ भागने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है इज़ अबाउट क्या बोथ मेल एंड फीमेल में मस्क ग्लैंड पाया जाता है? तो इसका आंसर है जी सिर्फ मेल के अंदर यानी सिर्फ मेल डियर के अंदर मस्क ग्लैंड पाया जाता है। और इसका यूज़ ये है कि इस ग्लैंड की मदद से जो हिरन है वो फीमेल हिरन को अट्रैक्ट करता है इन मेटिंग सीज़न। व्हाट एग्जैक्टली इट डू कि ये मेटिंग के सीज़न के अंदर जो ये हिरन है ये ख़ास किस्म का स्प्रे करता है अपने ग्लैंड से और उस टेरिटरी को मार्क कर देता है। तो जो फीमेल वहाँ से गुजर रही होती है और इफ़ शी इज़ इंटरेस्टेड टू मेट तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और बेसिकली ये सिर्फ मेल के अंदर पाया जाता है टू अट्रैक्ट फीमेल। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि ये जो मस्क ग्लैंड है ये मेल हिरन के किस पोर्शन में पाया जाता है? सो इट्स बेसिकली फॉल इन के ये बैली के नीचे नियर यूरिनल पोर्शन यानी जहाँ से वो क्या कहते हैं यूरिन करता है उसके बिल्कुल करीब। और बल्कि आप लोगों को हैरत होगी कि जब ये स्प्रे करता है डियर मस्क जब स्प्रे करता है टू अट्रैक्ट फीमेल तो बेसिकली उसके अंदर जो फर्स्ट स्निफ आती है वो भी यूरिनल होती है। यानी ये मस्क की जो अगर आप में से किसी दोस्त ने कभी डायरेक्ट मस्क को स्निफ किया हो तो इसकी फर्स्ट स्मेल ही यूरिनल है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और एक दोस्त ने पूछा कि अगर इस ग्लैंड को जिंदा डियर के अंदर से निकाल दिया जाए तो क्या ये दोबारा से रिप्रोड्यूस होता है? देखिए, नॉर्मली ये जो डियर मस्क ग्लैंड है ये हंटिंग के बाद यानी हिरन को हंट करने के बाद मीट के साथ इस ग्लैंड को निकाल लिया जाता है। बट आज के दिन अगर आप लोग रिसर्च करें तो चाइना के अंदर कुछ ऐसे फार्म्स बनाए गए हैं जिसमें मेल मस्क डियर को जब वो एक सर्टेन एज में पहुंचता है तो उसके अंदर से इसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। और उस रिसर्च के मुताबिक वो ये कहते हैं कि वो ग्लैंड दोबारा से रिप्रोड्यूस कर जाता है आफ्टर सम टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ये एथिकल है यानी आप हिरन को हंट करें जस्ट टू गेट मस्क ग्लैंड आउट ऑफ इट? सो आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड कि आज के दौर में आपको हंट नेपाल में या पाकिस्तान में या चाइना में तो आपको इजीली ये डियर नहीं मिलेगा। मेनली अगर हम रशिया को फोकस करें तो रशिया के अंदर ये जो मोशियस मस्क डियर जो है ये बहुत तादाद में पाया जाता है क्योंकि उनकी जो इन्वायरमेंट है वो इनके लिए काफ़ी मुनासिब है और वहाँ पे हज़ारों की क्वांटिटी में ये ब्रीड होते हैं और इट्स लाइक के वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा खप है। तो वो एक ख़ास किस्म का कोटा पर ईयर इसको निकालते हैं और उस कोटे में से जो हंटर्स हैं वो इस डियर को हंट करते हैं
और देन उसके अंदर से ये ग्लैंड निकाल के पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। यानी रशिया और साइबेरिया से आज के दौर में आपको जो मस्क है या डियर मस्क है वो आपको एथिकली अवेलेबल होगी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप इस हिरन को हंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे पॉपुलेशन इसकी बढ़ रही है। तो जस्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन उन्होंने एक ख़ास किस्म की एक हंटिंग लाइसेंस के ऊपर एक ख़ास क्वांटिटी डिक्लेयर की हुई है जो हर हंटर हर सीज़न में इसको हंट कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अबाउट कि ये हिरन जो हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। सो लेट मी टेल यू समथिंग कि ये हिरन मोस्टली पाकिस्तान, नेपाल, इवन इंडिया, हिमालयस का जो एक सिलसिला है, देन चाइना और फिर वियतनाम और फिर साइबेरिया एंड मंगोलिया, दीज आर द रीजन जहाँ पे ये जो हिरन है मॉशियस ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, लास्टली कुछ दोस्त हज़रात अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई कोई सोर्स बता दें। सो आई वुड लाइक टू से कि आज के दौर में अगर आप पाकिस्तान में किसी दुकान से मस्क लेते हैं तो आई कैन गिव यू माय एश्योरेंस कि 99.9% आपको वो दो नंबर मिलेगी। पाकिस्तान में ये जो मार्केट्स हैं तिब की मार्केट्स के अंदर, यहाँ पे जो मस्क या जो मुश्क अवेलेबल है ये दो नंबर है या इसमें मिलावट है। अगर आप में से कोई भाई इंटरेस्टेड है इसको इंपोर्ट करने में, सो लाइक आई सेड कि आप रशियन सोर्स देखें, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको वेरीफाई करें, ऑर्डर करें, तो रशिया से आपको एक नंबर ये जेन्युइन मस्क अवेलेबल हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन नॉट रिकमेंड एनी सोर्स डायरेक्टली जिससे आप एक्वायर करें, ओनली रशिया इज़ द सोर्स। कि रशियन जो वेंडर्स हैं या रशियन जो हंटर्स हैं वो आप नेट पे सर्च आउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप इसको एक्वायर कर सकते। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।